काफल एक ऐसा फल है जो गर्मियों में खाने से शरीर को ठंडाई देता है और पर्वतीय क्षेत्रों के जंगलों का खट्टा मीठा रसीला फल काफल बाजार में उतर आया है। साथ ही अभी वह फल दुकान में बिकने लगा है। अभी काफल की कीमत 300 से 400 रुपए प्रति किलो है। इसके पेड़ ठंडी जलवायु में पाए जाते हैं। इसका लुभावना गुठली युक्त फल गुच्छों में लगता है और गर्मी के मौसम में ये फल थकान दूर करने के साथ ही तमाम औषधि गुणों से भी भरपूर है। इसके साथ ही पहाड़ों के फल की अगर बात करें, सहतूत के साथ ही स्ट्रॉबेरी, आड़ू भी बाजारों में आ चुके हैं। काफल का फल खाने से स्ट्रोक और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट तत्व होने के कारण इसे खाने से पेट संबंधी रोगों से निजात मिलती है। यह फल स्थानीय लोगों के लिए रोजगार भी बनता है। शुरुआत में काफल का रंग हरा होता है और अप्रैल माह में यह पककर तैयार हो जाता है, जिसके बाद यह लाल दिखाई देता है। तब इसका रंग बेहद लाल हो जाता है और अब बाजारों में काफल के साथ ही पहाड़ी फल भी आ गए हैं, जिससे पर्यटकों में भी खुशी की लहर है। स्थानीय दुकानदार प्रमोद सिंह बिस्ट ने बताया कि इन दिनों काफल 300 से 400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। नैनीताल जिले के आमपड़ा, उपसगांव, चोपड़ा, बल्दिया खान, कोण, खुरपाताल, रामगढ़ और भवाली क्षेत्र के विभिन्न गाँव के ग्रामीण इन दिनों शहर में काफल बेचने के लिए आते हैं। आगे सुनते हैं स्थानीय दुकानदार प्रमोद सिंह बिस्ट क्या कुछ बताते हैं। मेरी शॉप नैनीताल रोड दो गाँव में है, बिस्ट फ्रूट सेंटर करके, और यहाँ पर काफल, शहतूत, स्ट्रॉबेरी और आड़ू अभी चला है पहाड़ का, बाकी फल अभी तो नहीं चले हैं। और काफल इसमें 320 रुपए किलो चल रहा है, स्ट्रॉबेरी ये 100 रुपए की 250 ग्राम, और शहतूत भी इसी रेट पे, आड़ू 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो बड़ा मोटा, 250-200 रुपए किलो तक चल रहा है। और काफल इस वक्त पकता है मई जून तक का मिलेगा आपको, और अभी इसकी पैदावार, मतलब पैदावार तो है, अभी ज़्यादा पक नहीं रहा है, अभी मौसम मतलब बारिश होने की वजह से ज़्यादा पक नहीं पा रहा है, नहीं तो ये मार्केट में आने लग गया, ज़्यादा मात्रा में आने पर फिर ये 200 रुपये किलो तक हो जाता है।